नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली फिर से मैं आ गया हूँ नए वीडियो में एक नई जगह के साथ। जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि का आज जो है तीसरा दिन है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ सेक्टर 1 तार घर। तो यहाँ का चलिए देखते हैं पंडाल कैसा बना है, यहाँ की सजावट, यहाँ के मेले जो है देखते हैं आगे चलकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइटिंग का भरपूर यहाँ पर जो है बंदोबस्त किया गया है, काफ़ी बढ़िया तरह से जो है यहाँ पर लाइटिंग की गई है। दूर से ही देख सकते हैं आप पूरा यह जो है जगमगा रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं सारा कुछ यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ का मेन गेट देख सकते हैं आप, काफ़ी मतलब यूनिक सा यहाँ पर बनाया गया है। बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो है कीचड़ कीचड़ हो गया है। बच्चों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कई प्रकार के झूले हैं, अलग अलग आसमानी बहुत से मतलब यहाँ पर झूले आपको देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो मेला लगा होता है सेक्टर 1, सेक्टर 2 एंड सेक्टर 5 में। सेक्टर 5 में उतना मेला नहीं, लेकिन सेक्टर 2 में और सेक्टर 1 में जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है मेला लगा होता है, भीड़ भाड़ होता है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर झूले जो हैं उपलब्ध हैं, और साइड में जो है स्टॉल्स भी लगी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। कौन है तो? दीपक है क्या? तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों के लिए आगे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक क्या है इसका, ब्रेक डांस। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर एक झूला यहाँ पर भी है। टिकट का मैंने जो है पता नहीं किया है कितना है क्या है। और चलिए चलते हैं आगे पंडाल की तरफ। एक ये है काफ़ी बढ़िया सा ये भी, और पंडाल भी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं पंडाल को। और यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा छोटे बच्चों के लिए। चलते हैं फिर पंडाल की तरफ और देखते हैं दुर्गा माता की मूर्ति, और आपको दर्शन कराता हूँ मैं दुर्गा जी के। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पंडाल बनाया गया काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर देख सकते हैं दिख रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है, काफ़ी बड़ा पंडाल जो है बनाया गया। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ से जो है प्रवेश द्वार है, तो चलिए चलते हैं लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से जो है निकासी है एग्ज़िट। तो यहाँ से हम चलते हैं। अभी भीड़ भाड़ जो है बहुत ही कम है, क्योंकि दूसरा तीसरा दिन ही है आज। बाकी पंचमी को फिर पंचमी को अष्टमी को बहुत ज़्यादा जो है भीड़ होता है। तो यहाँ से देखिए छोटा सा रास्ता गया पतला सा, और यहाँ से अंदर चलते हैं। चप्पल आपको यहीं पर उतार देना है। और ये देखिए ये जो है काफ़ी मतलब बढ़िया सा बनाया गया है। लाइटिंग यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। तो चलिए मैं आगे चल के आपको माता के दर्शन कराता हूँ। पंडाल के मैं चारों तरफ आपको दिखा देता हूँ अंदर में। ये देखिए काफ़ी मतलब सुंदर तरीके से जो है यहाँ का सजावट मतलब किया गया है। ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, छोटा छोटा बस एक लाइट यहाँ पर जो है लगाया गया और कलर का जो है ध्यान रखा गया। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम वापस, और मैं आपको बाहर के स्टॉल्स दिखाता हूँ जो राइट साइड में था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बाहर जो स्टॉल्स में क्या क्या लगे हुए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ काफ़ी मतलब भी जो है भीड़ भाड़ उतना नहीं है। यहाँ पर देख सकते कॉस्मेटिक यहाँ पर है सारा चीज़, यहाँ खिलौने उलौने हैं, की रिंग्स वगैरह हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम, शर्ट टी शर्ट, फिर घर में सजाने के लिए कुछ यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक यूनिक वस्तुएँ जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कॉस्मेटिक्स का है, देख सकते हैं जैसे कि। और आगे चलते हैं तो ये देखिए की रिंग विरिंग भी एक से एक है रबर का, जो कि 20 रुपये था पर की रिंग। और यहाँ पर देख सकते हैं बैंगल वेंगल्स हैं। और चलते हैं आगे, यहाँ देख सकते हैं 100 का सेल्स अभी जो है 100 रुपये में है।
और आगे यहाँ पर मेन गेट। तो चलिए अब हम जा रहे हैं यहाँ से सेक्टर 2, उसकी वीडियो देखना है आपको तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जो 2021 में जितने भी दुर्गा पंडाल हैं सब के वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह।